कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार शुक्रवार को अयोध्या पहुंचेंगी, जहां वो हनुमान गढ़ी समेत 9 जगहों पर लोगों से बातचीत करेंगी। बिहार की सारण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन को पीएम विरोधी बताया। महागठबंधन जो है अपने आप में एक बड़े विरोधाभास का समूह, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि देश में दोबारा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूजा की और फिर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। वी आर गोइंग टू विन मोर देन 300 सीट्स फॉर द बीजेपी। बुधवार को कांग्रेस ज्वाइन करने वाली उर्मिला मातोंडकर ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। कौन से विकास के मुद्दे को आपने लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन आपने लोगों तक क्या पहुंचाया है? नफरत की राजनीति पहुंचाई है। बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक दीपक पावस्कर को गोवा के मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हमारा प्रायोरिटी रहेगा 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर गोवा के जनता को मिलना और शुद्ध वाटर मिलना है। यूपी के गोंडा में चुनाव आचार संहिता को देखते हुए चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से 34 लाख रुपए बरामद किए। यूपी के गाजीपुर में पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा बीजेपी छोड़कर फिर बीएसपी में शामिल हो गए।